शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्व टू साइन वन अपॉन एक्स फॉर एक्स नॉट इक्व टू जीरो हैज़ नो लिमिट एज एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पर कि फंक्शन साइन वन अपॉन एक्स की लिमिट वेन एक्स अप्रोच टू ज़ीरो डज नॉट एक्जिस्ट अब एबसाइलन डेल्टा डेफिनेशन तो आपको याद ही होगी एबसाइलन डेल्टा डेफिनेशन का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर नाउ सपोज लिमिट ऑफ द फंक्शन साइन वन अपॉन एक्स वेन एक्स अप्रोच टू ज़ीरो इज एल मान के चलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड लिमिट इक्वल है एल के ओके सो फंक्शन अप्रोच कर रहा है एल को वैन एक्स अप्रोच टू ज़ीरो यही मान के चल रहे हैं ना हम दैट मीन्स वी कैन अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ लिमिट हेयर फॉर गिवन एपसायलेंट पॉजिटिव एप्सायलेंट इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर हेयर however small it may be there exists delta positive real number her epsilon positive real number ke liye, ek delta positive real number milega such that modulus of fx minus l less than epsilon whenever modulus of x minus 0 less than delta which means whenever x lies in the open interval 0 minus delta to 0 plus delta in the deleted neighborhood of 0 corresponding to delta modulus ऑफ f(x) एक्स माइनस l इज़ लेस देन एप्सायलन नॉट टेक एनी टू रियल नंबर फ्रॉम दिस इंटरवल एक्स वन एंड एक्स टू अब इस पूरे इंटरवल में जितने भी रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं इन्फानाइटली मैनी हैं सब के लिए ही कंडीशन ट्रू है ठीक है तो x1 x2 के लिए भी होगी देअ फॉर वी कैन राइट फॉर एक्स इक्व एक्स वन मॉडिलस ऑफ ऑफ माइनस लेस ऑफ साइन वन अपॉन एक्स वन माइनस एल लेस दैन एप्सायलन सिमिलरली फॉर एक्स इक्व टू एक्स टू वी कैन राइट मॉड्यूल ऑफ एफ ऑफ एक्स टू माइनस एल विच एम्प्लाइज साइन वन अपॉन एक्स टू माइनस एल लेस दैन एप्सायलन अब हम इन इक्वेश्स को असाइन कर लेते हैं बाय वन एंड टू यहाँ पर इक्वेशन नंबर वन में साइन वन अपॉन एक्स वन एंड साइन वन अपॉन एक्स टू ये वैल्यूज हैं फंक्शन की एट एक्स इक्व टू वन एंड एक्स इक्व टू टू एफ ओफ एक्स वन एंड एफ ओफ एक्स टू अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे नाउ कंसीडर मॉड्यूल्स ऑफ साइन वन अपॉन एक्स वन माइनस साइन वन अपॉन एक्स टू अब एक्स वन एक्स टू की एग्जैक्ट वैल्यू के बिना हम एग्जैक्ट डिफरेंस तो नहीं निकाल सकते बट हम मैक्सिमम वैल्यू डिराइव कर सकते हैं सो माइनस एल प्लस एल को यहाँ पर मर्ज करेंगे हम इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर वन एंड टू का यूज़ करते हुए यहाँ पर आ जाएगा मॉडिल्स ऑफ ए प्लस बी इज़ लेस दैन इक्व मॉडिल्स ऑफ ए प्लस मॉडल्स ऑफ बी सो साइन वन अपॉन एक्स वन माइनस एल मॉडल्स प्लस मॉडिल्स ऑफ एल माइनस साइन वन अपॉन एक्स टू ना वी कैन मेक यूज ऑफ इक्वेशन नंबर वन एंड टू हेयर सो दिस विल बिकम लेस दैन एप्सायलन प्लस एप्सायलन विच इज इक्व टू एप्सायलन नाउ वी हैव डिराइवड एन इनइक्वालिटी हेयर मॉड्यूल ऑफ साइन वन अपॉन एक्स वन माइनस साइन वन अपॉन एक्स टू लेस दैन टू एप्साइल एन अगर एक्स वन एक्स टू के लिए इक्वेसन नंबर वन एंड टू ट्रू हैं तो ये इक्वेशन भी ट्रू होगी बट हेयर इफ आई टेक एक्स वन इक्व टू टू अपॉन पाए एंड एक्स टू इक्व टू माइनस टू अपॉन पाए द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अबव इन इक्वालिटी विल बिकम मॉडिलस ऑफ साइन वन अपॉन एक्स वन वन अपॉन टू अपॉन पाई दैट इज पाई अपॉन टू माइनस साइन माइनस पाई अपॉन टू लेस देन टू एप्साइलन अब साइन पाई अपॉन टू की वैल्यू क्या होती है वन एंड साइन माइनस पाई अपॉन टू की वैल्यू होती है माइनस वन दिस इज लेस दैन टू एप्सायलन विच एम्प्लाइज टू इज लेस दैन टू एप्सायलन अब यहाँ से तो एप्सायलन आ गया ग्रेटर देन वन बट हम डेफिनेशन में हमेशा क्या लिखते हैं फॉर गिवन एप्सायलन पॉजिटिव इफ आई टेक एप्सायलन इक्व टू वन अपॉन टू देन दिस इनवालिटी इज नॉट ट्रू फॉर दैट इफ आई टेक एप्सायलन इक्व टू वन अपॉन थ्री अगेन दिस इनवालिटी इज नॉट ट्रू राइट इसका मतलब ये हुआ हमारे पास इन्फाइनइट चॉइसिस हैं एप्सायलन की फॉर विच एप्सायलन ग्रेटर दैन वन कंडीशन इज नॉट ट्रू अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये जो एक्स वन और एक्स टू हमने यहाँ पर्टिकुलरली कंसीडर किए हैं जिनके लिए ये कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव हुआ है क्या ये एक्स वन और एक्स टू हमारे डिलीटेड नेबरहुड में एग्जिस्ट करते हैं ये बात तो डिपेंड करती है डेल्टा पर डिलीटेड नेबरहुड में एक्स वन और एक्स टू लाई करेंगे या नहीं करेंगे दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन डेल्टा अब ये तो पर्टिकुलर केस हो गया ना फिर अब डिफरेंट डिफरेंट डेल्टा की वैल्यू के लिए जो भी डिलीटेड नेबरहुड्स बनेंगे अगर उनमें एक्स वन और एक्स टू लाई नहीं करते हैं तो मुझे तो और नंबर्स ढूंढने पड़ेंगे एक्स वन और एक्स टू जिस पर ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज ऐसी तो इन्फाइनइटली मैनी चॉइसेस हो जाएंगी तो फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है ये एक्स वन और एक्स टू तो हर जगह काम करेंगे नहीं साइन पाएप ऑन टू की वैल्यू है वन साइन माइनस पाए पॉन टू की वैल्यू है माइनस वन जिससे आया टू एंड ये कॉन्ट्राडिक्शन डिराइव हो गई हमारी सुपोजिशन हो गई गलत बट क्या साइन पाई अपॉन टू पर ही वैल्यू वन है क्या साइन फंक्शन और कहीं पर वैल्यू वन नहीं अटेन करता ये तो पीरियोडिक फंक्शन है ना साइन का पीरियड होता है टू पाई टू पाई प्लस पाइव पॉइंट टू पर भी वन अटेन करेगा साइन फोर पाई प्लस पाई अपन टू पर भी वन अटेन करेगा सिक्स पाई प्लस फाइव पॉइंट टू पर भी वन अटेंड करेगा सो इन जनरल साइन टू एंड पाई प्लस पाई अपॉन टू पर वैल्यू क्या अटेंड करता है वन

x2 टू इक्व टू वन अपॉइंट टू एन पाई माइनस पाई अपॉइंट टू अब डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है n, विच इज एन इंटीजर अगर हम n को बहुत लार्ज वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो ओवरऑल वैल्यू स्मॉल हो जाएगी जिसका मतलब ये हुआ कि हम पर्टिकुलर डेल्टा के अकॉर्डिंग n को कुछ ऐसा चूज कर सकते हैं कि हमारे x1 और x2 टू डिलेटेड नेबरहुड में लाइक करें अब हर डेल्टा के अकॉर्डिंग हमारे पास x1 और x2 टू यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं दैट मीन्स हर केस में कॉन्ट्रोडिक्शन आएगा दैट मीन्स हर केस में अब साइलम ग्रेटर देन वन आएगा विच इज़ आर कॉन्ट्रोडिक्शन सो आर सुपोजिशन इज रॉन्ग इन एवरी केस अब हमने ये तो समझ लिया हमारी सुपोजिशन गलत क्यों है बट इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे अटैम्प्ट करेंगे वो भी देख लेते हैं सो सपोज लिमिट ऑफ द फंक्शन साइन वन अपॉन एक्स वेन एक्स अप्रोचेज टू जीरो इक्व टू एल हम मान के चलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एंड लिमिट इक्वल है एल के सो so, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पर अब डेफिनेशन को अप्लाई करने के बाद हम x1, वन टू की वो वैल्यूज यहाँ मेंशन करेंगे जिनके बेसिस पर हम हमारी सुपोजिशन को रोंग प्रूव करने वाले हैं सो लेट एक्स वन इक्व टू वन अपॉइन्ट टू एंड पाई प्लस पाई अपन टू एंड एक्स टू इक्व टू वन अपॉइंट टू एंड पाई माइनस पाई अपॉइंट टू वेयर एन इज अ वेरी लार्ज इंटीजर ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं बिकॉज हमें एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू चाहिए लेस दैन डेल्टा सच दैट मॉड्यल ऑफ एक्स वन लेस दैन डेल्टा एंड मॉड्यस ऑफ एक्स टू इज ऑल्सो लेस दैन डेल्टा ना असाइन अबव कंडीशन एज इक्वेशन नंबर वन

Now, here at this stage we will put the values of x1 and x2 in the left hand side of above inequality. And this is equal to sine 2 and pi plus pi upon 2 minus sine 2 and pi minus pi upon 2. Now sine 2 and pi plus pi upon 2 is equal hai sine pi upon 2 k and sine 2 and pi minus pi upon 2 k equal hai minus pi upon 2. And this is equals to 1 minus minus 1, and it is equals to 2.